जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A31। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें। मैं भी वेट कर रहा था कि इसमें जब सैमसंग वन यूआई 2.5 का अपडेट आएगा तो मे भी हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाए, बट वन यूआई 2.5 के भी फीचर में आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A31 में आपको इनबिल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर ना मिलने की वजह से आपको गूगल प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे यूज किया है एक्स रिकॉर्डर, जो कि बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, काफी टाइम से मैं यूज भी कर रहा हूँ। आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे देखेंगे काफी सिंपल सी इसकी UI है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो रेजुलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1080p तक की वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको क्वालिटी का, आपको यहाँ पे क्वालिटी में भी मैक्सिमम 16 Mbps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ ही साथ अगर आपको फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो आप मैक्सिमम 60 FPS तक की वीडियो को यहाँ पे शूट कर सकते हैं। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ ही दोस्तों आप इसमें ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करना तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेव लोकेशन का, कि आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होती है कौन से फोल्डर में रिकॉर्ड हो। तो आपको ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपका कभी एप्लीकेशन क्रैश वगैरह होता है तो आप फीडबैक कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मोड के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक नॉर्मल मोड मिलेगा, एक मिलेगा परफॉर्मेंस मोड। नॉर्मल मोड में क्या होगा कि सारी चीजें आपकी बैलेंस रहेंगी, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस मोड को यूज करते हो तो यहाँ पे आपकी वीडियो क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको काउंट डाउन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे कुछ आपको और बेसिक से ऑप्शन है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट, कैमरा, ब्रश और स्लो टच के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये कुछ रहा इस एप्लीकेशन के बारे में, मैं आपको बता दूं इसमें इसको यूज करना काफी इजी है। आप जैसे ही ओपन करेंगे देन यहाँ पे आपको एक रेड बटन देखने को मिलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको स्टार्ट कर देना होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। काउंट डाउन के बाद अभी आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। आपको यहाँ पे छोटी सी एक क्विक बॉल भी मिलती है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो। उसके साथ ही आपको अगर इसको स्टॉप करना हो, उसका स्क्रीन शॉट लेना हो, आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में भी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसको पॉज स्टॉप कर सकते हो। अभी हमने जो भी रिकॉर्डिंग की मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूँ, वहां से आप समझ जाएंगे कि इसमें आपको साउंड क्वालिटी किस तरह की देखने को मिलती है। अभी आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, आपको यहाँ पे छोटी सी एक क्विक बॉल भी मिलती है जिसके तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना यहाँ पे आपको काफी कमाल की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको इसको एडिट करना है देन आप इसको एडिट कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रीडिंग में डिलीट कर सकते हो। बाकी आपको एक अलग से शेयर बटन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको शेयर कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में और भी कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने जो भी वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपके फोन में कोई भी वीडियो हो अगर आपको उसको यहाँ पे एडिट करना हो देन आप वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे इजिली एडिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे एडिट के बेसिक ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रिम कर सकते हैं, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक एडिटिंग होती है आप वो वहाँ पे इजीली से कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे फोटो एडिटिंग के भी बहुत ही कमाल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो बेसिक फोटो एडिटिंग के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।